विकासखंड राया के सभागार में बाल विकास परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी सूचनाएं जैसे वजन, पोषाहार, उपस्थित हीमोग्लोबिन, मोबाइल वेरिफिकेशन आदि की फीडिंग समय रहते पूर्ण करें, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही के लिए तैयार रहें। बैठक में प्रभारी CDPO सुमन देवी, सुपरवाइजर प्रमोद श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ललिता देवी, कौशल्या देवी, अनीता, मंजू, अंजू सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित रहीं। मैडम, आपके द्वारा विकासखंड राया के सभागार में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? इस मीटिंग का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को संभव अभियान और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में जागरूक करना था, उनके क्या प्रावधान है उसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बैठक इस उद्देश्य से भी ली गई है कि बहुत से केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों के मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो लंबित है, और कई केंद्रों पर कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर समय से कार्य नहीं किए जा रहे हैं और फीडिंग समय से नहीं की जा रही है, तो उसके बारे में भी उन्हें सचेत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी कि अपने सभी विभागीय कार्य वो समय से करें जिससे विभाग की छवि अच्छी हो सके और सभी लाभार्थियों को विभाग की सेवाओं का अच्छे से लाभ मिल सके। तो आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किस तरह का आश्वासन मिला? सभी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो बेहतर काम करके दिखाएंगी और जिनका काम बहुत ही खराब था उनके लिए हम कार्रवाई भी करेंगे। जी, धन्यवाद।